नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यनेशन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 28,30,883 संक्रमित है, 1,97,243 की मौत हो चुकी है। वहीं 7,98,605 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। उधर सिंगापुर में अब तक 618 वर्कर्स संक्रमित मिल चुके हैं। देश में कुल मामला 12,693 हो चुका है। वहीं इटली में मृतकों की संख्या 25,659 हो गई है। यहां अब संक्रमण के मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है। शुक्रवार को देश में करीब 420 लोगों की जान गई थी। कोरोना से देश में अब तक 24,620 केस, 24 घंटे में 1,408 संक्रमित बढ़े, 484 की अस्पताल से छुट्टी हुई, कुल 22% मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,620 हो गई है। आज पश्चिम बंगाल में 57, आंध्र प्रदेश में 61, राजस्थान में 27, कर्नाटक में 15 और बिहार में 2 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इससे पहले शुक्रवार को 1,408 संक्रमित बढ़े। ये आंकड़े राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमितों की कुल संख्या 24,506 है। इनमें से 18,668 का इलाज चल रहा है, 5,062 ठीक हुए हैं और 775 की मौत हुई है। सरकार का कहना है कि संक्रमितों का रिकवरी रेट बढ़कर 20.57% हो गया, जो सबसे ज्यादा है। सरकार का कहना है कि संक्रमितों की रिकवरी रेट बढ़कर 20.57% हो गया है, जो सबसे ज्यादा है। राजस्थान में कोरोना से 2,061 मामले, अजमेर में 10 साल की बच्ची समेत 8 पॉजिटिव मिले, झालावाड़ा और जोधपुर में 5-5 संक्रमित। राजस्थान में शनिवार को 27 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें अजमेर में 8 पॉजिटिव मिले और इसमें 10 साल की एक बच्ची भी शामिल है। वहीं झालावाड़ा और जोधपुर में 5-5, कोटा में 4, धौलपुर में 2, भरतपुर, जयपुर और डूंगरपुर में 1-1 संक्रमित मिला, जिसके बाद राजस्थान में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,061 पहुंच गया है। इससे पहले शुक्रवार को 70 नए कोरोना केस सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा कोटा में 22 लोग पॉजिटिव मिले। वहीं जयपुर में 36, जोधपुर में 6, झालावाड़ा में 4, पाली और भरतपुर में 1-1 संक्रमित मिला। राजस्थान लॉकडाउन फेज 2 का 11वां दिन, आज 27 नए पॉजिटिव मिले। सरकार जल्द राज्य में प्लाज्मा थेरेपी शुरू करेगी, केंद्र से अनुमति मांगी। अजमेर में कोरोना यहां 114 में से 88 पॉजिटिव हॉटस्पॉट बने। मुस्लिम मोची मोहल्ले से 266 टीमें लगाई। जोधपुर शहर में मिले 6 नए पॉजिटिव। नए क्षेत्रों में कोरोना के फैलाव ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। कोरोना का कहर, जयपुर में फिर एक साथ 4 मौतें, 6 बच्चों समेत 36 नए संक्रमित मिले। मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 776। कोटा में कोरोना का कहर, 28 साल के पुलिस कांस्टेबल समेत 4 लोग पॉजिटिव मिले। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 148 पर पहुंचा। धौलपुर में कोरोना, साइकिल से मुंबई से आया युवक पॉजिटिव मिला। 2 दिन पहले दिल्ली से आया 17 साल का किशोर भी संक्रमित। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे सत्यनेशन न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।